सो अब ना मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि हमारा इवेंट का टाइम हो गया और मुझे रेडी होने जाना है. सो आज ना मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ. बेसिकली इट्स अ क्रॉप टॉप और उसके साथ में ना बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाली स्कर्ट है. अभी जब मैं पूरा रेडी होंगी तो मैं आपको लुक दिखाऊंगी. और ये है मेरी आज की ज्वेलरी, ये है हमारी आज की ज्वेलरी और ये मेरा पूरा मेकअप का सामान. अभी अभी जस्ट हमने चाय फिनिश करी है. सो अब मुझे जल्दी से रेडी होना है. सो हम जा रहे हैं रेडी होने और आपको अपना मेकअप लुक दिखाएंगे पूरा कि हम कैसे आज रेडी होने वाले हैं. अब मैं ना रेडी होना स्टार्ट करने जा रही हूँ. मैंने अपना फेस पूरा क्लीन कर लिया है क्योंकि मुझे दोबारा मेकअप करना है, तो मुझे फेस पूरा क्लीन अप करना था. तो आज मैं आपको अपना मेकअप लुक भी दिखाने वाली हूँ. वैसे मैंने कभी शेयर किया नहीं है. सो मेकअप करने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपने बाल टाई कर लिए हैं और फेस वॉश कर लिया है, पूरा क्लींजर से भी साफ़ कर लिया, फेस वॉश से भी साफ़ कर लिया. हल्का सा काजल रह गया लेकिन आँखों में. सो अब मैंने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे लेकर जाने पड़ेंगे बाथरूम में, क्योंकि यहाँ पर ना रूम में मिरर नहीं है. ये आ गया मेरा पूरा मेकअप प्रोडक्ट. क्योंकि मैं बहुत जल्दी रेडी होती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा कुछ लगाना पसंद नहीं है फेस पे, इसलिए मैं ना ओलिविया पेन के यूज़ करती हूँ सिर्फ, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी और बहुत कम चीज़, मतलब लाइक मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं लगानी पड़ती कि मैं पहले प्राइमर भी लगाऊँ और अपना क्या बोलते हैं फाउंडेशन कंसीलर, इतना सारा नहीं लगाना पड़ता मुझे और मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ उसके साथ, इसलिए मैं ना यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर. आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना इवेंट के लिए मेकअप कैसे करती हूँ. अभी ना मैंने ड्रेस नहीं पहना है क्योंकि ड्रेस के बाद मेकअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो पहले मैं मेकअप कर लूँ. सो क्योंकि मैं ओलिविया पेन के यूज़ कर रही हूँ, मुझे फेस पर ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट नीड टू हल्का सा गीला करना है फेस. ये मैं कर लेती हूँ, वैसे पैनकेक के साथ आपको गीला करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मेरा स्किन टोनर भी यूज़ करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है. सो ये मैंने मंगवाया था शेयर सीड्स का अपने स्मिटन प्राइल में और ये ना काफ़ी अच्छा है. अब हमें ओलिविया पेन केक यूज़ करने की करना सिर्फ इतना है कि मुझे अपने स्पंज को गीला करना है. बहुत आराम से हो जाता है. फेस अभी मेरा हल्का गीला है इसलिए थोड़ा कम स्पंज गीला करने से भी चलेगा. और इसको इस तरह मुझे अपने पेन केक को ले लेना है इसमें. और इस तरह पूरे फेस पर जो है अच्छे से लगाने का, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है इसको फेस पर, बहुत लाइट हैंड के साथ आपको यूज़ करना होता है पैनकेक. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आप स्किन को उसको ऐसे रब करोगे ना अपने पफ को, तो बहुत ज़्यादा ना केक जैसा हो जाता है, मतलब बीच बीच में पैचेस काइंड ऑफ आ जाते हैं, इसलिए बहुत लाइट हैंड के साथ आपको इसको यूज़ करना है. मेकअप में हमेशा याद रखिए कि आपको ना जो भी प्रोडक्ट आप फेस पर लगाते हो उसको नेक पे भी लगा लो, क्योंकि वरना फिर ना दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट दिखता है. अब मुझे अपना आई मेकअप करना है. तो आई मेकअप ना आज मैं स्मोकी करने वाली हूँ. मुझे स्मोकी आईज ना बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम पर ना ब्लैक कलर का कुछ पहना नहीं था, तो उस वजह से मैं स्मोकी आईज कर नहीं पा रही थी. मैं बस ना दो चार अलग अलग तरह से ब्रशेज हैं आई शेड करने के लिए भी, क्योंकि मैं लाइट शेड्स के लिए अलग और डार्क शेड्स के लिए ब्रश हमेशा अलग रखती हूँ ताकि वो जो है मिक्सअप ना हो. सो ये बहुत सिंपल सा लुक क्रिएट कर लिया आज मैं, जो अच्छा भी लगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी मेरा ना जो है लगे. यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक दैट, क्योंकि आपका जो आई शेप है वो प्रॉपर आना चाहिए. यू कैन सी जैसे ये मैंने शेप दिया है मेरी आईज क्लोज करने के बाद, जो शेप ये मैंने दिया है ताकि वो बहुत ज़्यादा फैला फैला ना लगे. इसको ना आपको अच्छे साइज में ब्लेंड कर लेना ताकि वो जो ब्लैक कलर है वो बीच बीच में से छूटा हुआ ना लगे. सो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी अपनी दोनों ही आईज पर. सो आई शेडो इज डन. नाउ काजल. मुझे मेरी आईज पर काजल लगाना बहुत पसंद है. ये काजल मैं यूज़ कर रही हूँ, जेल वाला काजल होता है ये, मैक का काजल है जेल वाला. काजल इज ऑल्सो डन. लेकिन मेरे को ना क्या होता है कि काजल लगाने के बाद थोड़ा सा ये हल्का हल्का सा कभी कभी ना छूट जाता है, कुछ हाथ में लग जाए या फिर आंसू आ जाए तो. सो मैं इसको और ज़्यादा वाटरप्रूफ करने के लिए या फिर स्मज प्रूफ करने के लिए हम बोल सकते हैं, मेरा जो लाइनर है इसको मैं इसके ऊपर से लगा लेती हूँ. तो इसको ऊपर लगाने से ना यू विल गेट अ बोल्डर लुक ऑफ काजल
और ये साथ में ना स्मज प्रूफ भी और ज्यादा स्मज प्रूफ हो जाएगा। यूट्यूब पर तो मुझे काफी कम दिन हुए हैं, बट मेरे फ्रेंड्स ना दे ऑलवेज आस्क मी कि इतना परफेक्ट लाइनर मैं नीचे कैसे लगा लेती हूँ। बट मैं कहना, आप जब कुछ चीज कंटिन्यू करते रहते हो काफी टाइम तक तो यू विल गेट यूज्ड टू इट। और मैं हल्का सा अपने विंग्स बनाने के लिए भी फिलहाल तो यही वाला लाइनर यूज करने वाली हूँ। तो इसी के साथ हमारा आईलाइनर इज ऑल्सो डन। मैं इसके ऊपर ना ग्लिटरी थोड़ा सा लुक दूंगी क्योंकि पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, वो ग्लिटरी लुक थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसलिए मैं मस्कारा भी नहीं लगा रही हूँ, बट मुझे इस लाइनर के सूखने के लिए भी वेट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज माई लिप लाइनर, और मैं ना लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। लिप लाइनर यूज़ करने से थोड़ा सा लिप्स का जो शेप होता है वो थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लगता है, लाइक प्रॉपर शेप में दिखता है। लिप लाइनर इज ऑल्सो डन, लिपस्टिक बाद में लगाएं। नेक्स्ट इज हमारा हाइलाइटर, ये भी बहुत ज़रूरी है। चीक्स पे थोड़ा सा हाइलाइटिंग होने के बाद ना जब आप पार्टी में जाते हो ना बड़ा अच्छा सा लुक ये देता है। ये आईज ना मुझे बड़ी अच्छी सी लगी, मैंने बड़े दिनों बाद स्मोकी आईज करी हैं। चीक लाइन्स होती है उसको थोड़ा सा मतलब ठीक से उस पर लगे इसके लिए थोड़ा सा स्माइल आप कर सकते हैं। स्माइल करने से थोड़ा सा, क्योंकि हमारी चीक्स जो है ये हो जाता है, सो और इसको ना हमें ऊपर की तरफ ही लगाना है। ये मेरा हो गया है। तो दिस इज़ अ ब्रेक हाइलाइटर जिसमें आपको ना काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं। ये M&M का है मेरे पास, सो अभी मैंने जो है वो पिंक वाला लगाया था, हाँ, ताकि मेरा ब्लशर का भी काम जो है हो जाए। और अब मैं ना जो वाइट शेड है उससे इसको हल्का सा अपने ऊपर की तरफ से हाईलाइट कर दूँगी। अब मैं जो है मेरा लाइनर सूख गया है तो इसको थोड़ा सा शिमरी लुक देने वाली हूँ। मेरे पास ये लाइनर है, ग्लिटर वाला लाइनर है ये, इससे मैं हल्का सा लाइन बनाने वाली हूँ जो कि थोड़ा सा शिमर काइंड ऑफ लुक देगा। सो दिस इज डन एंड यू कैन सी जो लुक आईज पर आया है थोड़ा सा ये ग्लिटरी लुक आ गया है, तो ये थोड़ा सा ना और अच्छा लग रहा है। और क्योंकि हाइलाइटर मेरा हो चुका है और लाइनर भी हो गया है, सो नाउ आई कैन यूज माई मस्कारा। दिस इज नियॉन का मस्कारा, इसकी भी क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा जो अभी आजकल चल रहा है ना, जो आपकी लैशेज को हल्का सा बड़ा सा लुक दे देता है, उस टाइप का लुक आपके लैशेज को देने वाला है। अगर आपको ये मस्कारा नहीं यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ ट्रांसपेरेंट वन ऑल्सो। ट्रांसपेरेंट मस्काराज भी आते हैं जो सिर्फ आपकी आईलैशेस को ना थोड़ा सा शाइनिंग काइंड ऑफ दे देते हैं, बट क्योंकि हाँ मैंने अभी काफ़ी मेकअप किया है, पैनकेक वगैरह लगाया, तो कई बार ना आपके पलकों वगैरह पे भी लग जाता है, सो मैंने इसलिए ये ब्लैक वाला मस्कारा यूज़ किया है। मस्कारा इज ऑल्सो डन। अब ना सिर्फ एक सिंगल चीज़ रह गई है मेरे लगाने के लिए, वो है मेरी लिपस्टिक को ना आउटलाइन के अंदर ही फिल करना है ताकि फैले ना।
सो यू कैन सी अपर शेप में पूरा लग गया है. और फाइनली आई एम रेडी. अब मुझे सिर्फ मेरे ड्रेस चेंज करने हैं और हेयर्स तो मुझे ऊपर ही रखने पड़ेंगे. मैं हेयर्स के साथ ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकती हूँ. अब मुझे सारा सामान रख देते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं. ड्रेस चेंज कर लिया है मैंने एंड अभी पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी. मैं बाहर जाकर आपको इसका पूरा लुक दिखाऊंगी. ये ना काफ़ी फ्लेयरी सा लहंगा है. बहुत ज़्यादा फ्लेयर है इसमें और ये क्रॉप टॉप है इसके साथ में. और क्योंकि ये ब्लैक है इसलिए मैंने इसको स्मोकी आईज के साथ में पेयर किया है. अभी हम पहनेंगे हमारी ज्वेलरी. सो आई हैव टू ऑप्शंस. ये ग्रे है, ये ब्लैक है. अभी मैंने दोनों एक एक कान में पहन कर देखूंगी कौन सा वाला अच्छा लग रहा है. मैंने हमेशा अपनी ज्वेलरी बड़ा संभाल कर रखती हूँ. जैसे आती हूँ वैसे ही पैक कर रख देती हूँ क्योंकि मुझे ना मतलब जो भी चीज़ मैं लाती हूँ वो मेरी फेवरेट हो जाती है और फिर वो जब खोती है या ख़राब हो जाती है ना मुझे सेम दोबारा नहीं मिलती तो मुझे ना बड़ा दुख सा लगता है. मतलब मैं नई चीज़ें ले सकती हूँ बट पुरानी नहीं होनी चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का. ओके एक लुक ये है एंड नेक्स्ट इज दिस. आई थिंक ये वाला इसके साथ ज़्यादा सही लग रहा है और दिस वन थोड़ा कन्फ्यूजन है. मेरी ज़िंदगी ना ऐसी कन्फ्यूजन में चलती रहेगी. आई थिंक मैं ये वाला पहनूंगी. ये वाला ना मैंने जब मैं मुंबई रहती थी मैंने मुंबई से लिया था अपने लिए. और ये वाला ना मेरी खुद की शॉप का है. मुझे मेरी शॉप पर भी जो कुछ पसंद आता है ना मैं ले लेती हूँ. हाँ हम लोग उसके उसका भी पैसा देते हैं. हम लोग भी लेते हैं तो अपनी शॉप पर पेमेंट करते हैं ताकि जो हिसाब है स्टॉक के जो स्टॉक आता है उसके हिसाब में और जो हमने सेल किया है उसके हिसाब में गड़बड़ ना हो. सो हम लोग हमेशा पेमेंट वो वाला रख देते हैं. हाँ बट उतने रखते हैं जितने का चीज़ लाए होते हैं. सो ये मेरी शॉप का पैर है. आपने जो भी आना चाहते हो आप मेरी शॉप पर भी आ सकते हैं. मेरे स्टोर पर सारा कुछ मिल जाएगा आपको. पूरा कंप्लीट गर्ल्स पियर और गर्ल्स एक्सेसरीज और ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ मिलता है मेरे यहाँ पर. इसमें ना ऑलरेडी नेक पे बड़ी अच्छी से डिज़ाइन दी है तो मुझे इसके साथ ना गले में कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट वियरिंग माई ईयरिंग्स. और ऐसे भी मुझे मैं गले में थोड़ा कम पहनना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ना सिर्फ हैवी हैवी ईयरिंग्स पहन लेना बेस्ट होता है. ये मेरा कुम काफ़ी अलग टाइप का है ना. मैंने सुबह ही हेयर वॉश किया है तो ज़्यादा हेयर्स के साथ मेहनत करने की आज जरूरत नहीं है एटलीस्ट. इसलिए आज मैं हेयर वॉश कर आई थी ताकि मुझे अपने बालों के साथ में मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़े. आज ना 6 तारीख है. आई डोंट नो ये ब्लॉग मैं कब तक डालूंगी क्योंकि मुझे पहले एडिटिंग भी करनी पड़ेगी. आज मैंने बहुत सारा बना लिया है बट हाँ मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आ जाए. मेरा हाथ पे ना जल गया है. ये निशान दिख रहा है. ये ना एक्चुअली मैंने ना मतलब 6-7 दिन से कंटिन्यू इवेंट चल रहे तो उस दिन ना मैं बाल अपने रोल कर रही थी और रोल करते करते ना रोल लगे हाथ से ऐसे करते करते ऐसे चिपक गया तो पूरा हाथ ही जल गया है. ओके सो नाउ हेयर्स आर ऑल्सो डन. यही करने वाली हूँ बस सिंपल सोवर. अब मैंने आज अपनी वॉच छोड़ा ही सो आई हैव टू यूज़ जो मैं लेकर आई हूँ. दैट्स इट. वो कुछ नहीं कर सकते. तो मैंने ना अभी अपने लिए नया ब्रेसलेट काइंड ऑफ इसको हथफूल बोलते हैं या फिर ब्रेसलेट कुछ भी कह लो प्रॉपरली तो हथफूल कहा जाता है इसको. ये वेयर करने वाली हूँ बट आई थिंक ये मैं आपके लिए वेयर कर नहीं पाऊँगी. फाइनली मैंने इसको पहन लिया है विदाउट किसी की हेल्प. अपने आप पहन लिया है बट थोड़ा सा लूज हो गया. चलो मैं इसको ना बाद में किसी से टाइट करवा लूँगी. ये जो ब्रेसलेट है ना दिस इज़ ऑल्सो एंटीक लुक ब्रेसलेट और ये ऑक्सीडाइज है पूरा. थोड़ा सा रिंग्स के साथ में आ जाता है. अगर वॉच लाना भूल गई वरना मैं एक हाथ में इसको पहनती और एक हाथ में वॉच पहनती बट क्योंकि वॉच हम भूल चुके हैं मैं इसके साथ ये करने वाली हूँ. एक में ही एक में ही. अब इसको हम थोड़ी देर टाइट करवा लेंगे जब कोई आएगा तो. मेरे रूम में मुझे बुलाने आएंगे अभी मुझे पता है थोड़ी देर में आने वाले होंगे. चलो 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 सही बात है. एंकल लेट आएगी तो प्रोग्राम स्टार्ट कौन करेगा. हाँ सो फाइनली वी आर डन. पूरा लुक हो गया है पूरा मेकअप हो गया है सब कुछ हो चुका है. अभी मैं बाहर जाऊंगी तो आपको मैं अपना पूरा लुक दिखाऊंगी. आई एम डन.
फ्रेग्रेंस बहुत जरूरी है डियो। ये वही वाला डियो है जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैंने मंगवाया था जो स्मिटन से मंगवाया था, लव रोमांस ब्यूटी ब्लूम का। इतना इतना सा लगाने से ना काफ़ी अच्छी स्मेल होती है पूरे रूम।